बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमिल गुलफशाह गर्ल्स हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम में ख़ुश आमदीद आज हमारा मज़मून है तफ़ीम उर्दू जमात अव्वल के लिए हम बाब नंबर सोलह पढ़ेंगे मादर मिलत मादर मिलत कौम की माँ को कहा जाता है और फातिमा जिना कौम की माँ है इस सबक़ में हम फ़ातिमा जिना का उनके भाई के लिए प्यार और कुर्बानी के बारे में पढ़ेंगे और क्याम पाकिस्तान के लिए उनकी खदमत के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्याम पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत किस तरह पेश की सबसे पहले हम इस सबक के अल्फाजी ने पढ़ेंगे पहला लफ्स है बादर मिलत कौम की माँ कोने कोने हर जगह शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर कर जज्बा जोश अब हम इस सबक की अमला पढ़ेंगे फातमा जिना कायद अजम की छोटी बहन थी आपकी खिदमत की वजह से आपको मादुर मिलत यानी कौम की माँ कहा जाता है आप तीस जुलाई अठारह सौ तिरानवे को कराची में पैदा हुई वो बचपन से ही बहुत मेहनती थी इस सबक के मुश्किल अल्फाज हैं खिदमत, बचपन मेहनती मोहब्बत पाकिस्तान हमेशा जल से मेहरबानी वाक मुल्क सफ़ा नंबर पचासी सफ़ा नंबर पचासी पे इस सबक की मशक़ दी गई है सवाल नंबर एक सवालत के जवाब तहरीर करें सवाल नंबर एक फातमा जिना का कायद अज़म से क्या रिश्ता था आप उनकी छोटी बहन थी नंबर दो फातमा जिना को मादरे मिलत क्यों कहा जाता है ख़दमात की वजह से नंबर तीन फातमा जिना ने कायद अजम का साथ किस तरह दिया आप हमेशा उनके शाना बशाना रहीं नंबर चार कायद अजम आपको प्यार से क्या कहकर बुलाते थे वो आपको फाती कहकर पुकारते थे नंबर चार नंबर पाँच मादरे मिलत ने कब फात पाई नौ जुलाई उन्नीस सौ सड़सठ को सवाल नंबर दो खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखें नंबर एक फ़ातिमा जिना कायद अज़म की छोटी बहन थी नंबर दो फातिमा जिना ने औरतों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया नंबर तीन मादरे मिलत ने नौ जुलाई उन्नीस सौ को वफात पाई नंबर चार आपका मज़ार कराची में है नंबर पाँच फ़ातिमा जिना कायद अज़म का बहुत ख्याल रखती थी अगले सफ़े पर सवाल नंबर तीन दिया गया है रूफ़ मिलाकर अल्फाज बनाएं नंबर एक अलीफ़ आइन जोीम आज़म नंबर दो जीम नून अलीफ है जिना नंबर तीन काफ़ अलीफ़ हमजादाल कायद नंबर चार खे ये अलीफ़ लाम ख़्याल सवाल नंबर चार दिए गए अल्फाज के हरूफ़ अलग अलग करें नंबर एक मिलत मीम लाम लाम ते नंबर दो कायद काफ अलीफ़ हमजा दाल। नंबर तीन जलसे जीम लाम सीन बड़िए नंबर चार जज्बा जीम जे बे है सवाल नंबर पाँच दिए गए अल्फ़ को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें पहला लफज है हमेशा हमेशा सच बोलो ख़याल अपना ख्याल रखो मोहब्बत मुझे अपने वतन से महब्बत है कोशिश कोशिश से तरक्की मिलती है खिदमत बड़ों की खिदमत करो हम आवाज अल्फाज ऐसे अलफाज जिनकी आखिर में आवाज़ एक जैसी होती है इन्हें हम आवाज़ अल्फा कहते हैं दी गई नज़म पढ़ें और हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें आप ये नज़म स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और जो हम आवाज़ अल्फाज हैं वो नीचे खाली जगह दी गई है उसमें लिखेंगे आप सबसे पहले नंबर पे है बाएं काएं नंबर दो तड़के लड़के नंबर तीन खाने मंडलाने नंबर चार कितने फितने कमेंट एंड शेयर